जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव करेंगे मुख्यमंत्री से मुलाकात, सरकार से बिहार में जनगणना कराने की मांग। महुआ मोइत्रा के कथित बिहार विरोधी बयान को लेकर गरमाई सियासत, तेजस्वी शाहनवाज के साथ कई नेताओं ने टीएमसी को घेरा। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद लालू यादव ने मीडिया से की बात, कहा हमसे बहुत आगे निकल गए तेजस्वी। 1 अगस्त को लोजपा के सार्वजनिक मंच पर दिखेंगे प्रिंस राज, पटना में पारस गुट की अहम बैठक। और आसन को बेईमान कहने पर घिरे भाई वीरेंद्र, स्पीकर की कड़ी नाराजगी के बाद विधायक को मांगनी पड़ी माफी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ प्रतीक। खबरें विस्तार से। जातीय जनगणना के मसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेजस्वी ने अब इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने का ऐलान किया है। तेजस्वी ने कहा कि जातीय जनगणना का मसला उनकी पार्टी सबसे पहले उठाती रही और अगर केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी तो इसके बावजूद राज्य सरकार अपने खर्च पर इसे करा सकती है। विपक्ष ने कहा कि कई राज्यों ने ऐसा अपने खर्च पर कराया है। जातीय जनगणना के मसले पर तेजस्वी यादव आज विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक करने वाले हैं। बैठक के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुलाकात करेंगे। सीएम नीतीश से तेजस्वी की मुलाकात होनी। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यानी कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। 31 अगस्त को आपको बता दे, माफ कीजिएगा 31 जुलाई को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। बैठक के बाद यह तय माना जा रहा है कि जेडीयू नए नेतृत्व के हाथों में होगा यानी कि पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली रवाना हो जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार कल देर शाम तक दिल्ली पहुंच सकते हैं। सीएम यहां अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, जदयू सांसद, राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य और राज्य इकाइयों के अध्यक्ष शामिल होंगे। आपको बता दें कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होने वाली है जो कि 31 जुलाई को होगी और इस बैठक में तमाम लोग जेडीयू के मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और आपको बता दें कि इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी बात चलेगी। आपको बता दें कि फिलहाल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं, लेकिन इस बार अब बैठक के बाद पता चलेगा कि आखिरकार जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इस वक्त दिल्ली में है। जेल से बाहर आने के बाद वे पटना नहीं लौटे। वहीं बहुत दिनों बाद लालू ने मीडिया से बातचीत भी की। जब लालू यादव से पूछा गया कि बिहार में विपक्ष जिस तरह सरकार पर हमला कर रहा है उस पर वे क्या कहेंगे, तो वहीं लालू ने कहा कि तेजस्वी से भी आगे वे बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि लालू यादव ने कहा है कि तेजस्वी अब लालू यादव से भी आगे बढ़ गए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो। बहुत आगे निकल चुके हैं, किसी को बनाने से नहीं होता है, खुद बन जाता है। और हम जेल के अंदर थे, तेजस्वी यादव को बिहार ने देश ने देखा इलेक्शन में, जिस तरह से क्राउड है, जिस तरह से हमारी सरकार को वहाँ नहीं बनने दिया गया। ठीक है, पारस गुट और चिराग पासवान गुट के बीच बंटी लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया। किसी भी खेमे के पक्ष में राष्ट्रीय चुनाव आयोग की मुहर अब तक नहीं लगी, लेकिन दूसरी तरफ दोनों खेमा अपने अपने गुट का संगठन विस्तार में लगा है। ऐसे में पारस गुट के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज 1 अगस्त को अपने सभी जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश कमेटी की बैठक करेंगे। पारस गुट की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 1 अगस्त को होने वाली बैठक में पूरे बिहार से 33 जिलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। ये सभी नए जिला अध्यक्ष हैं, इनके अलावा प्रदेश कार्य समिति में शामिल सभी नेता भी मौजूद रहेंगे और इस बैठक के जरिए पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने का खाका भी तैयार किया जाएगा। तो आपको बता दें कि पशुपति पारस के गुट के आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रिंस राज सांसद है, समस्तीपुर से सांसद है लोजपा के, उन्होंने ये बात कही है कि 1 अगस्त को बैठक बुलाई जाएगी यानी कि पारस गुट की बैठक है जिसमें पारस गुट के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भी मौजूद रहेंगे। तमाम जिलों से नए जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं लोजपा के वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक पर संगठन विस्तार पर चर्चा की जाएगी।
और 30 जुलाई को गया में लोजपा सांसद चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा है, जिसे लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता शोभा सिन्हा ने कहा कि 30 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के तहत गया आएंगे। आशीर्वाद यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है, गया के तमाम जगह पर होर्डिंग और बैनर पोस्टर लग चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा ने आईटी कमेटी की मीटिंग में बिहारी गुंडा शब्द का इस्तेमाल करने का उन पर आरोप लगा है, जिसके बाद अब बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। इस विवादित बयान को लेकर हंगामा मच गया है। इसको लेकर अब बीजेपी के नेता हैं और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शाहनवाज हुसैन ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार के लोगों का और बिहार की सरजमी का घोर अपमान टीएमसी सांसद ने किया है। इस विषय पर बिहार विधान परिषद में और सदन में बीजेपी द्वारा सवाल भी उठाए गए। मित्रा ने बिहार के लोगों का, बिहार की सरजमी का घोर अपमान किया है। अब इस विषय पर विधान परिषद में भाजपा के प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय प्रकाश मयूख जी ने और विधानसभा में श्री नितिन नवीन जी ने दोनों ने ये विषय उठाया है। अब आरजेडी को टीएमसी से अपना रिश्ता बिहार के हित में तोड़ लेना चाहिए। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगाए गए आरोपों के बिहार में भी राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में सत्तासीन पार्टियों द्वारा राजद पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पत्रकारों से बातचीत के दौरान कड़ी निंदा की है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन परिसर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार कई महापुरुषों की जन्मभूमि रही है, बिहार के लोग मेहनती होते हैं, ऐसे बोलना ठीक नहीं। नहीं, जो लोग भी अगर ऐसा बयान देते हैं तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और कम से कम ये दुखद है और इससे ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। बिहार महापुरुषों का महापुरुष यहाँ कर्मभूमि रही है, गांधी जी की भी कर्मभूमि रही है, गौतम बुद्ध महावीर से लेकर के जैन से लेकर के सब लोगों ने यहाँ सब काम किया है। इसलिए हम लोग सब लोग पहला विश्वविद्यालय नालंदा जो है यही है बिहार में। तो बिहार के लोग मेहनती होते हैं, बिहार के लोग सबसे ज़्यादा अगर IAS IPS भी देखा जाए तो देश को बनाने का भी काम बिहारी करते हैं और देश को चलाने का काम भी बिहारी करते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बिहारी गुंडा वाले बयान पर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने टीएमसी सांसद के इस बयान का विरोध किया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर और कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने इसकी कड़ी निंदा की। क्या है, बिहार से ज्यादा संस्कारी लोग किसी राज्य में नहीं है। बिहार के सभी लोग पूरा मेहनती और अपने बदौलत पैर पर खड़े हैं और पूरा सम्मान बिहार को पूरी जनता करती है, हर व्यक्ति को, एक दूसरे व्यक्ति को। वो जो बोले हैं उनसे पूछिए वो क्या है, जो जैसा होता है वैसा ही लोगों को बोलता है। सर बिहार सुविधा कोई अगर पागल कोई हो, कोई ऐसे ही बकबक करे तो उसके लिए सवाल उठाना कौन सा, ये जनता की बहुत कठिनाई, वो उठाएगा। हम तो कहें कि वो खुद अपना पहले इलाज करा लें डॉक्टरों से, किस तरह बिहार के बारे में वो कैसे बोल सकते हैं। बिहार की जनता उनको बर्दाश्त नहीं करेगी, अगर फिर से बोलेंगे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 13 करोड़ बिहारियों का अपमान है, बिहारी होना गौरव की बात है, बिहारी बोझ नहीं बोझ उठाता है, संपूर्ण भारत के उन्नति प्रगति में बिहारियों का हाथ है। वो माफ़ी मांगे नहीं तो संपूर्ण बिहारी दिल्ली में उनका रहना बेहाल कर देगा और इस अपमान का बदला लेगा। गुंडा TMC गुंडों की पार्टी है और उन्होंने बता दिया कि हम गुंडा गर्दी करके ही बंगाल में चुनाव जीते हैं। वो माफ़ी मांगे नहीं तो दिल्ली के बिहारी जा करके उसके डेरा को ईंट से ईंट बता देंगे, वो जल्द से जल्द माफ़ी मांगे। बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ममता दीदी ने शुरू से ही अराजकता के माहौल में काम किया। मैं उनके भतीजे तेजस्वी यादव से पूछूंगा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के द्वारा बिहारियों को ऐसा कहा गया, क्या उस पर वे कोई प्रतिक्रिया देंगे। बिहारियों को गुंडा बता दिया,
देखिए ममता दीदी शुरू से अराजकता के माहौल में काम करती है, तो जैसा गुरु होगा वैसा ही शिष्य होगा ना, तो कहीं ना कहीं बिहारियों को अपमान करने का काम शुरू से भी ममता बनर्जी के लोगों ने किया है और आज भी किया है। लेकिन मैं आज बिहार में उनके जो भतीजा हैं तेजस्वी यादव जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज बिहारियों को अपमानित किया गया तो क्या वो उसका प्रतिकार करेंगे, उसका निंदा करेंगे या मौन रहेंगे? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई की भी होनी चाहिए? देखिए जो प्रक्रिया है, जो संसद में जो इस तरह के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको जनता जवाब देती है और समय आने पर जनता उनको जवाब देगी। वहीं टीएमसी सांसद पर लगे बिहारियों के अपमान के आरोपों को लेकर बिहार विधान परिषद में बीजेपी के एमएलसी संजय मयूख ने निंदा प्रस्ताव लगाया और साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहारियों को अपमान किया है ये गलत है। आज बिहार विधान परिषद में मैंने इस निंदा प्रस्ताव को लाया कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा जी ने जिस तरह से बिहारी गुंडा शब्द से बिहार को अपमानित किया है। बिहारी स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है, बिहारी स्वाभिमान के साथ रहना चाहता है और तमिलनाडु के नगर प्रशासन मंत्री के नेहरू ने जिस प्रकार से अल्प बुद्धि का बिहारियों को और हिंदी पट्टी के लोगों को बताया और लालू प्रसाद जी पर तीखी टिप्पणी की, तब भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि उसमें लालू प्रसाद जी का भी सम्मान बचता। हम तो बिहार के वो लोग हैं जो मतदाता बंधुओं का ख्याल करते हैं, बिहार की जनता का ख्याल करते हैं और लालू प्रसाद जी भी बिहार के माननीय नागरिक हैं, इसलिए हम चाहते थे कि सबका सम्मान रहे और जिस प्रकार से आरजेडी और कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध किया, मुझे लगता है उन्हें बिहार के सम्मान और स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं है। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मानसून सत्र की कार्यवाही पर बात करेंगे। बच्चे चाहते हैं पढ़ना, टीचर चाहते हैं पढ़ाना, स्कूल कोचिंग कॉलेज हैं तैयार, आखिर सरकार क्यों है लाचार? ऐसे पढ़ेगा बिहार? कोरोना क्लास और करियर, देखिए हमारा खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ डी। रक्तदान जीवन दान, आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूँ। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल, G44 PC कॉलोनी, नियर पार्क नंबर 22, मेन रोड, कंकड़बाग, पटना। हमें संपर्क करें 09504313597। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़।
टक्कर टक्कर दादी के छक्का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकर फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर सब वाह हो गए इसको खाकर कच्चा पापड़ पक्का पापड़ चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़ बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट पापा बेटा ये कैसा है ये दुनिया क्यों न समझे मेरी दुनिया बदल गई और ये देखो क्यों गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता थोड़ा बड़प्पन दिखाइए रहो सेफ सैनिटरी पैक से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए सर छुट्टी चाहिए थी क्यों गांव के सारे घर कच्चे थे बाढ़ में ढह गए मेरा भी गुड मॉर्निंग सर देखिए बुनियाद भी पक्की आपका नया घर भी पक्का सालों साल चलेगा सर ठीक है ले लो छुट्टी लो हो गया घर पक्का छुट्टी कैंसिल सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो कोणार्क खुशियों की बुनियाद अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है हाँ हम तो आपको बताने भूल गए हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार भाग खुलेंगे अश्लीलता से दूर भक्ति से भरपूर कान फोड़ू नहीं मधुर वाणी जिंदगी का सार राम की कहानी रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका DTV भारत में बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात कर लेते हैं अब मॉनसून सत्र की बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है लेकिन विपक्ष के तेवर आज भी आक्रामक हैं भाकपा माले के विधायकों द्वारा जमकर सदन के बाहर हंगामा किया गया और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की गई कि राज्य के सभी जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशाला कार्यरत है परंतु इन प्रयोगशालाओं में मृदा विश्लेषक मानव बल के नाम से बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी सदन में हंगामे की खबर सामने आ रही है विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और इस दौरान आज विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा का गुस्सा भी सदन में देखने को मिला दरअसल RJD विधायक भाई विजेंद्र ने सदन में बेईमानी शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर ऐसी टिप्पणी की जिसको लेकर विजय कुमार सिन्हा नाराज हो गए गुस्से में भड़के स्पीकर विजय सिन्हा ने भाई वीरेंद्र को सीधी चेतावनी दे डाली
स्पीकर ने कहा कि सत्ता पक्ष के मंत्री हो या फिर विपक्ष के विधायक, किसी को भी आसन के ऊपर ऐसी टिप्पणी करने की इजाजत नहीं होगी, उन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे। कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। एक मिनट बैठिए, पहले आप वापस लीजिए शब्द। नहीं, बेईमानी शब्द गलत। नहीं नहीं नहीं, गलत शब्द वापस लीजिए। नहीं, आप वापस लीजिए इस शब्द को। आप वापस लीजिए इस शब्द को। उस्ताद सर, उंगली दी, फिर उंगली दिखा रहे हैं, उंगली मत दिखाइए। माननीय सदस्य, उंगली मत दिखाइए आसन को। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, बैठिए। पटना में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल की अध्यक्षता में युवा कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने निकली, ऐसे में उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। आपको बता दें कि गुंजन पटेल सहित कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्होंने कहा कि हम लोग सदन में भी आवाज उठा रहे हैं और सड़क पर भी, लेकिन सरकार हमारी आवाज को दबा रही है। कांग्रेस जो कि प्रदर्शन कर रही थी, विधानसभा घेराव करने जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने गिरफ्तार किया है, यहाँ से हिरासत में ले लिया है, माफ कीजिएगा, हिरासत में ले लिया है गुंजन पटेल। गुंजन जी, हिरासत में लिया गया आप लोगों को? हम लोग स्थानीय सही रवैये के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखना है किस मोदी सरकार की जेल में कितना दम है, और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार ये आम विरोधी नीतियों को वापस नहीं लेती। और जेल में डालना है, लाठियां बरसाना है, जो करना है सरकार करती रहे। विधानसभा नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब यही तो सरकार की बात है, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने के बाद भी गिरफ्तार किया जाता है, यही हकीकत है सरकार की। इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हम आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, ये युवा प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे गुंजन पटेल, जो साफ कह रहे थे कि विधानसभा घेराव करने से रोक दिया गया, और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल है उनको हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल कांग्रेस विधानसभा का घेराव पूरा नहीं कर पाई और राजापुर से पहले ही सभी को हिरासत में ले लिया गया। निषेध ठाकुर, डीटीवी भारत। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के टकराव के बीच नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह का बड़ा बयान सामने आया। श्याम बहादुर सिंह ने बीजेपी के रवैये को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर ऐसा रहा तो लालू नीतीश एक बार फिर आ सकते हैं। पूर्व विधायक ने दावा किया कि आज भी लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच अच्छे संबंध है और दोनों के बीच बातचीत भी होती है। श्याम बहादुर सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक ने। देखिए, लालू जी अस्वस्थ बनी, लालू जी से आज हमारे मुख्यमंत्री जी के बातचीत होला, आज वह रिश्ता बाजन पहले रहे छोट भाई बड़ भाई के। ये तो लालू प्रसाद जी भी कहले, मुख्यमंत्री जी भी हमारे कहले, लेकिन अब तेजस्वी जी आई तेज प्रताप जी लोग का कहता नहीं कहत का, इसे कौन मतलब नहीं खेले। लालू जी भी अगर इस तरह के बात बा तो इनमें दम बा। लालू यादव अगर अप्रोच करेंगे पहले की तरह, लालू यादव दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो नीतीश कुमार उस हाथ को थामने में देर नहीं करेंगे, जो स्थिति और परिस्थिति है। अभी बीजेपी पर डिपेंड करता है, बीजेपी लोग का करी ना करी, वो परिस्थिति स्थिति जब आई तो पर ये सवाल पर बात हुई, ये सवाल का जवाब हम दे जितना हमारा समझदारी बा। मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कहा कि मान मर्दन शुक्ला अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद भी उप महापौर बने हुए हैं। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रीय की मिलीभगत से वे पद पर बने हैं। नगर आयुक्त तो उनको तत्काल पद से मुक्त करें, नहीं तो उनके खिलाफ न्यायालय में अवमानना वाद दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई को ही डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उनके पक्ष में वोट हुआ और इसलिए उनको नैतिक जिम्मेदारी लेकर हट जाना चाहिए। मेरा संयोग से तबीयत खराब हो गया था, हाई फीवर था, इसलिए मैं उस बैठक में नहीं जा सका। तो वहाँ उस बैठक में आपको पार्षद लोग आए थे, कोरम ही पूरा हुआ, उसमें माननीय वार्ड पार्षद श्रीमती गीता देवी वार्ड 47 की अध्यक्षता की हैं। 19 वार्ड पार्षद ने चर्चा में अविश्वास में भाग लिया और उसमें मेन पॉइंट ये है, उसमें मात्र 11 पार्षदों ने ही वोट किया। 11 पार्षद जो वोट किए, माननीय वार्ड पार्षदों ने वोट किया, उसमें 8 वार्ड पार्षद डिप्टी साहब के खिलाफ में वोट किया, अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ में, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया कि आपको हटाया जाए।
बक्सर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ढिलाई दिखी है। एक तरफ जिला प्रशासन द्वारा लगातार वैक्सीन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं कई जगहों पर टीकाकरण की कमी हो रही है। स्थानीय नगर भवन में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वैक्सीनेशन का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन वहां वैक्सीनेशन न होने के कारण कुछ दिनों से लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, और ऐसे में आक्रोशित लोगों ने नगर भवन के पास सड़क जाम कर अपना विरोध शुरू कर दिया। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है ताकि 18 साल से ऊपर के सभी युवाओं का टीकाकरण हो सके, और इसी कड़ी में अब सरकार के निर्देश पर हमारा बूथ टीका युक्त अभियान के तहत नगर परिषद के तमाम 28 वार्डों में टीकाकरण की शुरुआत हो गई। इस दौरान महिलाओं की ज्यादा भागीदारी देखी गई है। वार्ड पार्षद डॉक्टर विजय शंकर चौधरी के देख रेख में टीकाकरण अभियान चलाया गया। वैक्सीनेशन की शुरुआत नगर परिषद के 28 वार्डों में हो रही है, और इस बार की जो स्थिति है उसमें हमको एक बहुत ही अच्छा लग रहा है कि समाज के सभी तबके के लोग, हिंदू मुस्लिम मर्द औरत युवा, सभी लोग स्वस्फूर्त आकर के वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र में गंडक नदी में छलांग लगाकर एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक बरगांव निवासी बताया जा रहा है। हालांकि शख्स ने ऐसा कदम क्यों उठाया इसका खुलासा नहीं हो पाया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बगही गांव का रहने वाला चंदन कुमार नाम का लड़का है, जो यहां छलांग लगाने की सूचना मिली है, ऊपर छलांग लगा दिया। बड़गांव पंचायत थाना पियर का ही रहने वाला है, जो पिलखी पुल जो का जो क्षेत्र है ये सकरा में पड़ता है, सकरा थाना क्षेत्र में पड़ता है। हमको सूचना मिला, हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अपने स्तर से जो भी इसमें मदद करने वाली जो भी काम है उसको हम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी आ रही है। मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में उबरा में कोरियाई कंपनी दुसान के द्वारा 1320 मेगावाट की बिजली परियोजना सी का निर्माण कर रही है। दुसान के द्वारा कई भारतीय कंपनियों को सी परियोजना में कार्य करने के लिए ठेका दे रखा है, जिसमें हजारों मजदूर और कर्मचारी काम करते हैं, और इसी में एचसीपीएल सिंगरौली में कार्य करने वाले सैकड़ों मजदूर महीने भर से अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि उन्हें वेतन भुगतान किया जाए। मामला ये है सर कि हम लोग दुसान कंपनी में काम करते हैं और उनके नीचे एक एचसीपीएल कंपनी है, उसमें काम करते हैं। हम लोग को 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला है और हम लोग मांग रहे हैं तो बोलते हैं दुसान के ऊपर, और दुसान से जब दुसान के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि वो उनको पैसा दे दिए हैं, ऐसे करके हम लोग को 4 महीने से पैसा नहीं मिल रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। डीटीवी भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन, भोजपुरी में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं।